यू तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की कई गाड़ियां पॉपुलर हैं, लेकिन 22 साल पहले कंपनी ने एक ऐसी एसयूवी इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी जिसने महिंद्रा की किस्मत ही बदल दी। गेस व्हाट, हम किस गाड़ी की बात कर रहे हैं? जी हां, हम यहां पर महिंद्रा बोलेरो की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या था इस गाड़ी में जो इस गाड़ी की दीवानगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस गाड़ी ने महिंद्रा की किस्मत ही बदल दी। इवन सिटी से ज्यादा ये गाड़ी रूरल एरिया में पॉपुलर हुई। यही नहीं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये सबकी पहली पसंद बन गई। अगर हम इंडिया में पुलिस को देखें या फिर किसी भी सरकारी ऑफिस को देखें तो उसमें महिंद्रा बुलेरो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, और किसी गाड़ी के मुकाबले से ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि आज तक इंडिया के अंदर इस बेयर बोन बेसिक एसयूवी का इतना तगड़ा जलवा क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर महिंद्रा की इस गाड़ी को टक्कर क्यों नहीं दे पाता है। मेरा मतलब ये है कि इस कैटेगरी में कोई और मैन्युफैक्चरर गाड़ी क्यों नहीं बनाता है, स्पेशली टाटा, जिनके पास सुमो से लेकर पिकअप हर कैटेगरी में गाड़ी अवेलेबल है, वो क्यों इस गाड़ी के सामने हार मान गए? चलिए हम इन सभी बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसकी हिस्ट्री को समझना होगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री सिर्फ इसी से नहीं जुड़ी हुई है बल्कि महिंद्रा ग्रुप से जुड़ी हुई है। बोलेरो की कहानी शुरू होती है लेट 2000 से, जब महिंद्रा अपनी 7 साल से चल रही अर्माडा का एक नया स्केल अप वेरिएंट निकाला जिसका नाम था अर्माडा एलेक्स। अर्माडा जीप पर बेस एक एसयूवी कम एमपीवी थी जिसे 1983 में लॉन्च किया गया था, और अब महिंद्रा इसको अपग्रेड करने के लिए अर्माडा एलेक्स को लॉन्च कर रहे थे। अर्माडा एलेक्स एक कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ आने वाली थी जिसमें बेटर साउंड इंसुलेशन, इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता। यहीं से महिंद्रा ने सोचा, जब ये पूरी गाड़ी अर्माडा से बिल्कुल अलग है तो हमने इसका नाम अर्माडा एलेक्स क्यों रखा है? इसीलिए अगस्त 2000 में जब महिंद्रा ने इसकी सेल को स्टार्ट किया तब इसका नाम रखा महिंद्रा बुलेरो। फर्स्ट जनरेशन महिंद्रा बुलेरो में 2.5 लीटर का पेट्रोल डीजल इंजन लगा हुआ था जो कि 75 हॉर्स पावर जनरेट करता था। महिंद्रा की इस गाड़ी की देखते ही देखते बहुत अच्छी सेल्स होने लगी। इसी वजह से महिंद्रा ने 2001 के अंदर इसके पिकअप वेरिएंट को भी निकाला जिसका नाम था बोलेरो कैंपर, और फिर 2004 में महिंद्रा ने बोलेरो एक्सेल को भी लॉन्च किया जो कि इसका लॉन्गर व्हील बेस वाला वर्जन था जिसके अंदर ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी थी, और ये फ्लीट ओनर्स के बहुत ज्यादा काम आने वाला था। टोटल नंबर्स के मामले में देखे तो महिंद्रा ने 2005 में इस गाड़ी की 24,000 यूनिट्स को सेल कर दिया था, और ये वो समय था जब बोलेरो ने इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा खासा शेयर हासिल कर लिया था, यानी कि 20% का। और अब अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए महिंद्रा ने 2007 में बुलेरो का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया था जिसको सेकंड जनरेशन बुलेरो कहा गया। यहाँ पर बुलेरो में ट्विन डिजाइन बम्पर रीडिजाइन, हेडलैम्प्स एंड टेल लाइट क्लस्टर के रूप में कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए। इसके बाद 2011 में इस गाड़ी की थर्ड जनरेशन भी लॉन्च कर दी गई, और सेम सेकंड जनरेशन की तरह ही महिंद्रा ने काफी सारे कॉस्मेटिक एंड फीचर चेंजेस करे थे, और अब महिंद्रा ने इसके अंदर इन हाउस डेवलप एक नया इंजन भी दे दिया था। और देखते ही देखते बोलेरो महिंद्रा की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई, 10 कार्स में आने लगी ऑल ओवर इंडिया कार्स में सेल्स के अंदर। और इसमें भी बड़ी बात ये थी कि इसने अपनी एक अलग ही सेगमेंट बना लिया, और इस सेगमेंट में कोई और कार एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यानी कि इंडिया के अंदर कोई भी इतनी सस्ती लेडर फ्रेम वाली एमपीवी नहीं बेच रहा था महिंद्रा के अलावा। लेकिन ऐसा क्यों था? कोई ब्रांड ऐसी गाड़ी नहीं बना सकता था महिंद्रा के अलावा? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि महिंद्रा ने कुछ अलग काम कर दिया हो या कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हो, बल्कि बात तो ये थी कि महिंद्रा ने सही टाइम पर बाजी मार ली थी। इंडिया में पर कैपिटा इनकम काफी कम है जैसा आप लोग जानते ही होंगे, और 90s के अंदर तो ये और भी ज्यादा कम थी, और उस टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा कम लोग थे जो इवन मारुति सुजुकी 800 लेते थे पर्सनल यूज के लिए। इसीलिए तब ज्यादातर लोग बसेस और टैक्सेस का इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए, और रूरल एरिया के अंदर तो महिंद्रा की जीप बेस गाड़ियां चला करती थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रॉ थी और ओपन हुआ करती थी चारों तरफ से। इसीलिए महिंद्रा और टाटा ने मिड 90s के अंदर ही ऐसी गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करी जो कि खरीदने और ऑपरेट करने में काफी ज्यादा सस्ती हो, लेकिन 8 से 10 लोगों को एक साथ ट्रैवल करवा सके, कि लोगों के ट्रैवल करने का खर्चा बच सके, यानी कि फ्लीट ओनर्स के द्वारा इनको ओन किया जा सके। ऐसे में ही महिंद्रा की बुलेरो और टाटा की सुमो मार्केट में आई, और यहीं से महिंद्रा और टाटा दोनों को मूवर एडवांटेज मिली इस टाइप की एमपीवीज के अंदर। लेकिन जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर टोयोटा क्वालिस और टवेरा जैसी गाड़ियां आ गईं। इसके बाद टाटा सुमो के दिन गर्दिश में आ गए। सुमो को टाटा द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया,
और इसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ। क्वालिस की सक्सेसर इनोवा आई, जिसने इंडिया की पूरी एमपीवी मार्केट पर अकेले ही कब्जा कर लिया और जितनी भी एमपीवी इस मार्केट के अंदर आती गई उनको पूरे तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन टाटा सुमो के साथ जो हुआ महिंद्रा बुलेरो के साथ क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि महिंद्रा ने एकदम सही समय पे खेल खेला। जैसे टाटा बहुत समय से ही खराब आफ्टर सेल सर्विस और रिलायबिलिटी इश्यू से जूझ रही थी और इनके ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी के बंद होने के पीछे यही रिलायबिलिटी वाला इशू बहुत बड़ा फैक्टर था। और वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा का रूरल एरिया के अंदर डीलर नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा था उनकी पुरानी जीप की वजह से, और उनके डीजल इंजन शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा रिलायबल माने जाते थे। लेकिन एक बात और थी जहां पर टाटा ने गलती करी और महिंद्रा ने नहीं। टाटा की सुमो पहले बहुत ज्यादा बिकती थी, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसको बहुत ही अच्छा खासा कंपटीशन मिलने लगा और दूसरी एमपीवी से, तो इसकी सेल्स काफी ज्यादा कम हो गई। तो इसीलिए टाटा ने सुमो ग्रैंडे को लॉन्च करा और इसका प्राइस रखा 7 से 10 लाख के बीच में। लेकिन लेट 2000 में भी लोग टाटा के लिए इतनी ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते थे और ऊपर से इस सेगमेंट में इनोवा अकेले कब्जा करके बैठी थी, जिसकी वजह से टाटा को कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए सुमो को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा अपनी बोलेरो को बेयर बोन रख रहे थे लगातार ताकि वो अफोर्डेबल बनी रहे। और अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो जब ईयर 2000 में बुलेरो को लॉन्च किया गया था तब इसका प्राइस रखा गया था 4,98,000, लेकिन आज 23 साल बाद इस गाड़ी का प्राइस कितना है? 9,78,000 से लेकर 10,79,000 के बीच में, मतलब कि पिछले 23 साल में इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ दो ही गुना हुआ है। वहीं अगर हम टोयोटा इनोवा से कंपेयर करें तो इसका प्राइस 5 गुना तक बढ़ गया है जब से ये लॉन्च हुई। और महिंद्रा ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने इस गाड़ी को बेयर बोन रखा और इस गाड़ी में अच्छे खासे फीचर्स ऐड नहीं किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये केपेबल नहीं थी। इस गाड़ी में लेडर फ्रेम चेचिस मिलती थी और साथ ही ये रियर व्हील ड्राइव कार थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी को खराब रास्ते में चलाने में ज्यादा आसानी होती थी। इसके अलावा इस गाड़ी में रियर में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए थे, जिसकी वजह से ये सब 4 मीटर कार 7 लोगों को लेकर चलती थी तो कहीं भी दबती नहीं थी। और इसी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी भी बाकी SUVs जितनी अच्छी नहीं थी।